गहलोत और पायलट रूट के विधायकों की सैलरी रोकने की मांग, राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। याचिका में कहा, विधायक नहीं जा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र, 4 अगस्त को होगी सुनवाई। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले को करेंगे संबोधित। इस मौके पर छात्रों से होंगे रूबरू, भविष्य को उज्जवल बनाने का देंगे मंत्र। 2017 के संस्करण में 42,000 छात्रों ने लिया था हिस्सा। राम मंदिर निर्माण से पहले बोली उमा भारती, राष्ट्रपति ने शुरू किया था सोमनाथ मंदिर का निर्माण, पीएम करेंगे राम मंदिर का, 5 अगस्त को अयोध्या में किया जाएगा भूमि पूजन। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में पड़ी फूट, चिराग पासवान पर जेडीयू का तंज, कहा जो लगातार काम करता है उसे आखिरी समय पर सिलेबस पूरा करने की चिंता नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को घेरा, ट्वीट कर कहा यूपी में फैलता जा रहा है जंगल राज। अभिनेता सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से की इंसाफ की मांग, पीएम को पत्र लिखकर कहा मेरे भाई के गुनहगार को जल्द से जल्द मिले सजा। देश में तेजी से बढ़ती जा रही है महामारी, देश में एक दिन में आए 57,000 से ज्यादा नए मामले, 16,95,000 लोग संक्रमित। पहाड़ों पर बदल रहा है मौसम का मिजाज, देहरादून टिहरी पौड़ी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को दी गई संभल कर घर से निकलने की सलाह। आज से बदल गई आपकी जिंदगी, बैंकिंग सेक्टर बीमा समेत कई क्षेत्रों में सरकार ने किया नियमों में बदलाव, अब से 12% कटेगा पीएफ। देश भर में मनाई जा रही है बकरीद, जामा मस्जिद में तैनात पुलिसकर्मियों ने थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही लोगों को दिया मस्जिद में प्रवेश। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक 1,77,58,802 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। अब तक कोरोना से 6,82,999 लोगों ने गवाई जान, 1,11,61,509 लोगों को किया गया ठीक। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की हुई वजीहत, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ने कहा अयोध्या पर प्रधानमंत्री का बयान बेहुदा, इसकी वजह से भारत से रिश्ते होंगे खराब। साउथ चाइना सी पर ऑस्ट्रेलिया चीन के राजदूत, चीन ने कहा हमारा समुद्री अधिकार नियम के मुताबिक, जवाब में ऑस्ट्रेलिया बोला उम्मीद है आप 2016 का मानेंगे फैसला। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव, रॉकेट हमले में 9 अफगानियों की मौत, 50 घायल, सीमा पर हालात तनावपूर्ण। पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, अफगानिस्तान सीमा को खोलने की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की फायरिंग, 3 की मौत, 30 घायल। आरबीआई से संपर्क में सरकार, फिर बढ़ सकती है लोन मोराटोरियम की अवधि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत। कोरोना का असर, जून अंत तक बजट अनुमान के 83.2% पर पहुंचा राजकोषीय घाटा, पिछले वित्त वर्ष के दौरान पिछली तिमाही के अंत में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 61.4% पर। ब्रोकर और व्यापारियों को सेबी ने दी राहत, 20% अपफ्रंट मार्जिन जमा करने पर शॉर्ट कलेक्शन के लिए पेनाल्टी नहीं होगी लागू, कैश सेगमेंट में पेनाल्टी 1 सितंबर से होगी लागू। एप्पल, गूगल, फेसबुक और अमेजन का 3 महीने का रेवेन्यू रिलायंस के कुल मार्केट कैंप से भी ज्यादा, 14,00,000 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार, लॉकडाउन के दौरान चारों टेक कंपनियों की जमकर हुई कमाई। लॉकडाउन में भी SBI मालामाल, 81% बढ़ा SBI का मुनाफा, 4,189.34 करोड़ रुपए का पहुंचा मुनाफा।